चलिए बात करते हैं भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। बता दें कि अतिथि विद्वानों की हड़ताल अभी भी जारी है और आज उनकी हड़ताल का 40वां दिन है। लगातार 40 दिन बीत चुके हैं और कड़ाके की ठंड में ये धरना देने को मजबूर है। अतिथि विद्वान, महिला अतिथि विद्वान के साथ बच्चे भी इस हड़ताल में मौजूद है और आज इनकी हड़ताल का 40वां दिन है। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भोपाल से खबर, बता दें कि अतिथि विद्वानों की हड़ताल अभी भी जारी है। 40 दिन बीत चुके हैं, आज 40वां दिन है। ये 40 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। बता दें कि कड़ाके की ठंड में भी ये हड़ताल को मजबूर है और महिला अतिथि विद्वानों के साथ उनके बच्चे भी जो है धरना स्थल पर मौजूद है, लेकिन जो कोशिश की जानी चाहिए थी, जिस तरीके से इनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाना था, वो किसी का अभी तक नहीं है और 40 दिन बीत चुके हैं, अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो लगातार 40 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं अतिथि विद्वान, अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। 40 दिन बीत चुके हैं, इससे कड़ाके की ठंड में भी वो धरना दे रहे हैं। तो वहीं महिला अतिथि विद्वानों के साथ उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है धरना स्थल पर, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। 40 दिन बीत चुके हैं, नियमितीकरण की ये मांग कर रहे हैं। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान जो है बीते 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी धरना देने को मजबूर है, लेकिन जो जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि है, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष गीते जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी, 40 दिन हो गए हैं और कितने दिन तक ये हड़ताल जारी रहेगी? अभी धरना इनका खत्म होने की संभावना कम लगती है। ये लोग डटे हुए अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन्होंने कमलनाथ के लिए ज्ञापन भिजवाया नियमितीकरण की मांग को लेकर जी, और हाल ही में उन्होंने सांसद नकुल नाथ को भी ज्ञापन दिया है कि हमारा किसी भी प्रकार से नियमितीकरण हो जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है और इनका धरना जारी रहने की संभावना है। चलिए शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि ये हड़ताल जो है वो खत्म होगी, क्योंकि जो मांग है नियमितीकरण की वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का, प्रशासन का, सरकार के और मंत्रियों का, किसी का भी ध्यान नहीं है और 40 दिनों से ये हड़ताल अतिथि विद्वानों की जारी है।